दोस्तों नमस्कार, जेआरसीएम में प्रमोद मौर्य। रक्तदान और कन्यादान महान दान होता है, लेकिन इस टाइम में समय दान भी बहुत महान दान हो गया है। समय की कमी सभी के पास है, समय दान बड़ा दान हो गया है। तो आप अपने समय को खराब ना करें। आप समय कहाँ लगाते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अपना जो समय है वो गलत जगह पे देते रहते हैं, और बाद में जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम अगर हम हताश हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, उदास हो गए हैं और समय दे दे करके परेशान हो गए और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हम अपना समय दे कहां रहे हैं। कहीं हम गलत जगह समय तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हम गलत पेड़ को तो पानी नहीं दे रहे हैं, कहीं हम गलत गार्डन को तो पानी नहीं दे रहे हैं। तो आपको पानी सही जगह देना है, समय सही जगह देना है, जहां से आपका समय रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो यहां पर वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष इस तरीके से वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है, ये इसकी बहुत सारी डालियां हो गई, ये बहुत सारी डालियां हो गई, ठीक है, ये डालियां हो गई, ये वृक्ष है। लेकिन ये वृक्ष जो है, ये जो पेड़ है, ये पेड़ बिल्कुल ही सूखा है, ये पेड़ बिल्कुल सूखा है, इसमें कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है, इस पेड़ में कोई फल नहीं है, राइट, ये पेड़ सूखा है, बिल्कुल सूख चुका है, इसमें कुछ नहीं है। अब अगर आप इसमें पानी डालते हो, तो आपका पानी जो है किसी काम का नहीं है, आपका पानी किसी काम का नहीं है। गलती अक्सर हम यही करते हैं कि सूखे पेड़ को हरा करने में लगे हैं नए पौधे लगाने की बजाय। कहने का मतलब समझिए आप, हम जो है नई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, नई ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, नए लोगों को अपनी टीम में नहीं लेकर के आ रहे हैं, नया निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम पुराने पेड़ को पानी डाले जा रहे हैं, जो कि हमें पता है ये पेड़ सूख चुका है, ये पड़े पेड़ जो है हरा भरा नहीं होने वाला है। तो पुराने सूखे पेड़ को पानी देने से अच्छा है नया पेड़ लगाओ, नया पौधा लगाओ, उसकी सिंचाई करो, उसे पानी टाइम से दो, उस पेड़ को सूखने मत दो, तब जाकर के आपका एक नया बगीचा तैयार होगा, एक नया गार्डन तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप ये काम को करेंगे कि आप अपने इस पेड़ को पानी ना दे करके आप एक छोटा सा पेड़ लगाएंगे और इस छोटे से पेड़ में आप पानी देना शुरू करेंगे, छोटे से पेड़ में पानी देना आप शुरू कर देंगे, राइट। ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद और बड़ा होगा और बड़े डालियां होंगे। इस पेड़ में आपका ये जो है आम लगेगा, आपका जो है अमरूद लगेगा, जो भी आप समझ सकते हैं वो आपका यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये फल लगना शुरू हो जाएगा। तो हम एक छोटे पेड़ को पानी देना शुरू कर दें एक सूखे पेड़ की बजाय, यहाँ पर आपको फल खाने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको लकड़ियां भी सही मिल जाएगी, यहाँ पर आपको छांव भी मिलेगा। तो हम इस पुराने पेड़ को, सूखे पेड़ को छोड़ करके नए पेड़ की शुरुआत करें, नई ज्वाइनिंग की शुरुआत करें, नई प्लानिंग की शुरुआत करें, नए होम मीटिंग की शुरुआत करें, नए टीम का निर्माण करें, नए तरीके से फिर से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। आप इस तरह से अगर करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर दें, अभी से शुरुआत कर दें, आप जहां भी रुके उससे प्लस में जाएंगे, उससे आगे जाएंगे और आपकी ग्रोथ लगातार चालू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा। मैं प्रमोद मौर्य, उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से, इस मैसेज से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने टीम में, सबको ये पता चलना चाहिए कि पुराने को छोड़ो, नए को पकड़ो और नए को सही तरीके से स्टार्टअप करा ले जाओ, क्योंकि पुराने लोगों को पता चल चुका कि आप कितना पानी देने वाले हो, ये पानी इसकी जड़ में ही रह जाता है, इसका पौधा हरा नहीं होता है, ठीक है। तो आप नया काम शुरू करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना, क्योंकि उससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है और ये वीडियो आप जैसे और भी महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करें कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार खुशहाल हो। जय आरसीएम, जय हिंद।